आपने एक आवाज बंद की थी इमरान खान की, या कना बदो या कना साइन। आज हर बच्चा बूढ़ा जवान हर शख्स जो है या कना बदो या कना साइन कह रहा है। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, नाज़रीन किराम, मैं गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नाज़रीन किराम, नाज़रीन किराम, आज मैं ज़मान पार्क में मौजूद था। तमाम लोगों से छोटा छोटा रिव्यू देखेंगे कि वो क्या समझते हैं इस चीज को। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। पहली तो बात यह है कि पिछले रमजान में यहाँ पर जिस तरह लाहौर की रौनकें थी, यहाँ पर पूरा लाहौर निकलता था, आके इफ्तारी करता था, सहरी करता था, तरावी पढ़ता था, उसको आज दुबाला करने के लिए, उसको दोबारा से उस रिवायत को जिंदा करने के लिए आप दोस्तों ने और दीगर दोस्तों ने जिस तरह आज ये इंतजाम किया, बहुत लायक सद तहसीन एहसान है। क्योंकि इस वक्त जबर और खौफ अभी भी है, हालांकि वो इंटरिम गवर्नमेंट जा चुकी है, इसके बावजूद उसका तसलसल बाकी है। अभी थोड़ी देर में अगर IG पंजाब को पता चल जाए तो यहाँ चारों तरफ से जमान पार्क को घेरा डाल लिया जाएगा। हम इफ्तारी से पहले यहाँ पर पहुंचे, इफ्तारी से पहले पहुंचे तो जमान पार्क के रिहायशी जो है वो खौफजदा हो गए कि आप लोग यहाँ आए हैं तो हमारे ऊपर फिर जो है वो चढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो लोग इस तरह डरे हुए हैं, यहाँ के रिहायशी भी डरे हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर खौफ का इस वक्त भी आलम तारी है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के शहरी जो है वो खौफ के बुतों को तोड़ दें। इमरान खान नहीं डरा तो हम भी नहीं डरेंगे। अगर अरशद शरीफ जो पाकिस्तान का चेहरा था, अगर उसको गोलियां मार के रास्ते से हटा दिया गया लेकिन उसकी आवाज बंद नहीं कर सके और वो नहीं डरा तो हम भी नहीं डरेंगे। जिल्ले शाह को बिलाल रियाज को यहीं इसी जगह पर उसको जो है वो अगवा किया गया और उसको तशद्दुद करके शहीद किया गया, अगर वो अपने कायद से नहीं पीछे हटा तो हम भी नहीं हटेंगे। इमरान रियाज खान को जितनी दफा 7 मरतबा गिरफ्तार किया गया लेकिन वो बहादुर माँ का बेटा, बहादुर बाप का बेटा, वो हमारा भाई जिस तरह डट के खड़ा है, कल भी उसने बीला किया, परसों भी उसने बीला किया, उसकी जबान को नहीं बंद कर सके, हमारी जबानों को भी नहीं बंद कर सकेंगे। ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, जवान बूढ़ा शहरी हर शख्स जो है वो इमरान खान की आवाज बन चुका है। तुमने एक आवाज बंद की थी इमरान खान की, या कना बदो या कना साइन। आज हर बच्चा बूढ़ा जवान हर शख्स जो है वो या कना बदो या कना साइन कह रहा है। अगर मेरा गर्दन में कटा देना तो मेरा फिर बेफियार खान साहब के लिए दिल में है। हाँ। और मैं इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल देख रहा हूँ, वो सिर्फ खान के अंदर है। इन बेगैरतों ने हमारे मेंढक पे डाका डाला और जैसे पाकिस्तान के साथ एक गुब्बारे की तरह खेल रहे हैं और पाकिस्तान को पता धकेल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहिए। और हम इनको ये पैगाम दे रहे हैं कि हकीकी आजादी टाइगर आपको कह रहे हैं कि खान को 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिहा कर दे। अगर रिहा नहीं कर दिया, देखिए यहाँ हम जमे हुए हैं, हमें किसी लीडरशिप का काल नहीं आए, खान का काल नहीं आए, अपने मर्जी पे आए। आपको ये कह रहे कि फौरन 2 हफ्तों के अंदर अंदर खान को रिहा करो, अगर रिहा नहीं किया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बार फिर से जबान पारक में आएगा और इंशाल्लाह फिर से जबान लाजमी आएगा। हमने वोट इमरान खान को दिया है और इन लोगों ने दूसरों को जता दिया। ठीक है, वोट भी नहीं डाला है और ये धोखे से हमारे साथ धोखे से हुकूमत बनाई बैठे हैं। ठीक है।